हेलो गाइस, टुडे विद बीबी वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे लव बर्ड्स के बारे में। अब लव बर्ड्स सुनते ही हमें सिर्फ एक नाम याद आता है, वो है प्रतीक सहजपाल। प्रतीक सहजपाल ने आज तक जितने रियलिटी शो किए उनमें कोई ना कोई लड़की के साथ अपना कनेक्शन जरूर बना लिया, वो फिर कोई भी शो हो। इवन बिग बॉस में आकर तो उन्होंने हैट्रिक ही कर दी। बहुत सारी लड़कियों के साथ उन्होंने अपना एंगल सेट करने की कोशिश की, फ्लर्ट्स भी किए, उनके साथ फ्रैंक भी बहुत ज्यादा रहे, पर किसी के साथ भी वो अपना स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं बना पाए। पर हमने जहाँ देखा बिग बॉस में रहते हुए उन्होंने जितना फ्लर्ट किया लोगों से और जितना ज्यादा उनके साथ फ्रैंक होने की कोशिश की, पर लड़कियों की तरफ से उतना अच्छा वाला रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसी दौरान जब एक बार निकी तंबोली आई बिग बॉस में, तो उन्होंने वाजे तौर पर प्रतीक को कहा कि अगर मैं आपको डेट करना चाहूँ तो क्या आप मुझे परमिशन दोगे। उसी दौरान प्रतीक वही फ्लैट हो गए और खतरा खतरा शो में इत्तेफाक ऐसा कि वो दोनों एक ही साथ एक ही पेयर के तौर पे, तो इस दौरान प्रतीक का गुड लक था कि उनके एक शो में एक लड़की खुद से उनको अपना क्रश मानती हैं और उनके साथ कपल बनाने में इंटरेस्टेड हैं और बहुत कुछ। तो प्रतीक ने इसी मौके का फायदा उठाया और उन्होंने इस मौके को हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने दिया और इसी दौरान उन्होंने बहुत ज्यादा फ्लर्ट किया, रोमांस किया, इंजॉय किया और लोगों को ये बता दिया कि उनमें कोई तो ऐसी बात है कि लड़कियां उन पर इतना मरती हैं। इसी दौरान हमने निकी तंबोली और उनमें बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स देखे जो बहुत ही ज्यादा लवली थे, बहुत ज्यादा रोमांटिक थे और बाकी शो के कंटेंडर्स ने भी इन सब चीजों को बहुत ज्यादा इंजॉय किया। और प्रतीक का एक ऐसा ही साइड है जो हमें बहुत अच्छा लगता है, उसी वजह से हम उनके इतने ज्यादा फैन है और निकी तंबोली इस रिलेशन को लेके बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है और प्रतीक के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना जरूरी समझती हैं। वो प्रतीक की बहुत ज्यादा केयर करती हैं और उनको बहुत ज्यादा केयर करती हैं और इस चीज को लेके प्रतीक बहुत ही ज्यादा खुश नजर आते हैं हमेशा। इसी दौरान हमने देखा उनको बहुत सारे कंटेंडर्स मस्ती करते हुए उनके साथ, उन्हें तंग करते हुए, उन्हें टीज करते हुए निकी तंबोली के नाम पर भी नजर आए और इसी दौरान निकी तंबोली के फेस पे जो ग्लो होता है या वो जिस तरीके से शर्माती है, ओ माय गॉड, मतलब निकी तंबोली चाहती हैं कि उनका नाम बार बार प्रतीक के साथ अटैच किया जाए और प्रतीक तो वैसे ही फ्लर्टी है, उन्हें तो मौका चाहिए कि हर लड़की के साथ वो फ्लर्ट कर सके और एक ऐसा रोमांटिक मूव हर एपिसोड में हो। तो आप लोगों का क्या कहना है, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और ये दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, प्लीज जरूर कॉमेंट करें। आप लोगों को इन दोनों को साथ में देखना कितना ज्यादा पसंद है और ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कॉमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन के बटन को माना मत भूला करें क्योंकि उससे आपके पास आने वाली हर वीडियो जल्द अज जल्द आपके पास पहुंच जाएगी और आप अपनी फेवरेट सेलेब्रिटीज के बारे में हर वक्त बाखबर रह पाएंगे। थैंक यू सो मच।